दोस्तों, रमी ग्ली एप्लीकेशन के कस्टमर सपोर्ट पे आपको कैसे कांटेक्ट करना है, उनसे कैसे बात करना है, और नया जो भी कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन आया है उसमें कैसे बात करना है, कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे आप शॉप में आते हैं, यहाँ पर सपोर्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर एक कस्टमर सपोर्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ब्राउज़र पे चले जाइएगा, किसी भी ब्राउज़र पे चले जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यदि आप नया एक न्यू कन्वर्सेशन में आपको जाना है, और आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन चॉइस करने का। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गेम आईडी डालना पड़ेगा, अपना गेम आईडी जो गेम में है आईडी उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, फिर ऑप्शन चॉइस, डिपॉजिट का हेल्प चाहिए, विड्रॉल का हेल्प चाहिए, पेड बट नॉट क्रेडिट का हेल्प चाहिए, या फिर कोई सा भी अदर प्रॉब्लम हो उसका हेल्प चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट चैट पे कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं सपोज़ यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं रैंडम फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद हमको क्या करना है, यदि हमें डिपॉजिट का हेल्प चाहिए, जैसे डिपॉजिट, जैसे हम लोग डिपॉजिट किए हैं लेकिन वॉलेट में नहीं आया है, तो उसका हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर विड्रॉल चाहिए तो विड्रॉल से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए उसका यहाँ पर। अब पेड बट नॉट क्रेडिटेड, हमने पे कर दिया है या उन्होंने पे कर दिया है पर क्रेडिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अदर प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम यानी अकाउंट से कुछ भी रिलेटेड हो प्रॉब्लम, साइन अप बोनस से रिलेटेड या फिर अकाउंट बैन कुछ भी हो प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पर अदर प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे अब यहाँ पर डिपॉजिट हेल्प करता हूँ, यहाँ बस डिस्क्रिप्शन लिख देना है, डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इन वॉलेट, वॉलेट या फिर रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी आप अपने मन से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद सीधा आपको स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद उनका जो रिप्लाई आएगा, देख, इफ़ योर डिपॉजिट हैज़ नॉट अराइव प्लीज़ सबमिट अ स्क्रीनशॉट ऑफ द बैंक ऑर्डर वाउचर। तो इसमें क्या करना है, आपको बैंक वाउचर यानी जो भी आपने पेमेंट किया है उसका जो भी वाउचर है उसको यहाँ पर देना है। तो बैंक वाउचर कहाँ से देंगे, जो भी आपका जैसे पेटीएम फ़ोनपे कहीं से भी किए हैं तो उसका जो भी वाउचर होगा, पेमेंट डिटेल होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगा, उसको सिंपली से यहाँ पर जाइएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे तो वहाँ पर कोई सा फाइल चूज़ करिएगा जहाँ पर से, वहाँ से जाकर कुछ भी फ़ोटो उठाइएगा। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ, इमेज में जाके कुछ भी इमेज, जैसे ये इमेज है तो मैं इसी को उठा के डाल देता हूँ, ठीक है, डाल के सेंड कर देना है। तो आपको अपना पेमेंट वाउचर करना है, मैं तो ऐसे रेंडमली कर दिया हूँ कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद इनका रिप्लाई आएगा, क्या प्रॉब्लम है, आप इसी प्रकार से जितना भी प्रॉब्लम है, जैसा भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप चैट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपका कंप्लेन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको अपना जो भी यूआईडी नंबर होगा, आईडी नंबर होगा, उसको मेरे को देना पड़ेगा ताकि मैं कस्टमर सपोर्ट से उसके बारे में बात कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही यदि आप रमी क्ली में हैं तो आपको पता ही होगा फर्स्ट डिपॉजिट बोनस का यहाँ पर जो ऑफर चल रहा है आपका न्यू मेंबर का, फर्स्ट डिपॉजिट यानी 51 रुपये साइन अप बोनस और फर्स्ट डिपॉजिट 100 एंड 100, ठीक है। यदि फर्स्ट न्यू मेंबर है तो 51 रुपये का साइन अप बोनस मिलेगा, और साथ ही 100 रुपये यदि पहला बार में डिपॉजिट करते हैं तो 100 रुपये का एक्स्ट्रा कैशबैक, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ मैं।